हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू सीरीज़ जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के सो so ये वीडियो फार्मास्यूटिकल जोरी के लिए होने वाली है जिसमें हम यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं सो so सबसे पहले बात करें यूनिट वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की उससे जाने से पहले आप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है सो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो so फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अपने एग्जाम से पहले और इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लेते हैं या फिर उनको देख लेते हैं तो फिर अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में सो so, सबसे पहले यूनिट वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सो so, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द टर्म तो इसमें आपके फाइव पार्ट्स हैं ए ड्रग बी मिस ड्रग सी स्पूरियस ड्रग डी कॉस्मेटिक ई मिस कॉस्मेटिक सो ये आपके टू मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको पढ़ के जानी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको लिखनी है सो so ये क्वेश्चन आपका जनरली फाइव मार्क्स में पूछा जाता है ठीक है तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोन लाइसेंस सो लोन लाइसेंस के बारे में आपने बताना है एक शॉर्ट नोट देना है यानी कि फ़ाइव मार्क्स में आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ड्रग यानी कि कौन कौन से ऑफेंस या फिर पेनल्टीज होती है मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ ड्रग यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग और सेल कर रही हैं तो उसमें हमें अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो को क्या क्या उसमें ऑफेंस है और उसकी क्या क्या पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट आर द कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग यानी कि अगर हम कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन से उसकी कंडीशन है उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में बताना है सो so ये था आपका यूनिट फंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे सो so, अगर आपको बाकी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाननी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना